Hello, welcome all to my channel, and this is Pizza, Farmhouse Pizza at Harinagar Ghantagar. और मैं इनको बोला कि स्पेशल पिज़्ज़ा बनाना और बहुत ही टेस्टी बनाना, बहुत स्पेशल बनाना, तभी मैं आपके पास दोबारा आऊँगा, हर बार आऊँगा. अगर आप अच्छा बनाओगे तभी आऊँगा, तो नहीं आऊँगा. तो ये पिज़्ज़ा बना रहे हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए, इसमें चीज़ है, इसमें पनीर है, इसमें कॉर्न्स हैं, इसमें सॉस है, इसमें वाइट सॉस भी है और मेयोनीज़ जो कहते हैं वो भी है. अभी इसको डाल रहे हैं देखिए अंदर अवन में. ये लोकल अवन कैसा था, बट क्वालिटी इनकी अच्छी होती है बहुत, ऐसा नहीं है, और सफाई से बनाते हैं लोग. तो ये हमारा किया पिज़्ज़ा अंदर, और अब हम इन्होंने जलाई अपनी गैस, ये हीट 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 करेगा. और नाउ यू सी, ये देखिए इनका मेन्यू है, इनको प्राइस लिस्ट है, देखिए कितना सस्ते में मिल रहा है पिज़्ज़ा. ऑनियन कप सिंगल पिज़्ज़ा 80 रुपीज़, ओनली स्वीट कॉर्न 100 रुपीज़, फार्म हाउस पिज़्ज़ा 100 रुपीज़, स्मॉल वाला 100, और ये घंटाघर का एरिया है, ये है घंटाघर, हरिनगर घंटाघर, जो कि सुभाष नगर और कसूरीगंज के पास पड़ता है. हरिनगर घंटाघर का एरिया है. यहाँ बहुत सारे फूड कॉर्नर्स खुले हुए हैं, बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं. देखिए ये है यहाँ टिक, ये नॉन वेज का है शायद, और ये देखिए सारे स्टॉल्स, ये स्टॉल है. पहले यहाँ पे एक भी स्टॉल नहीं था, सिर्फ एक बर्गर की शॉप थी पहले यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे इतने सारे स्टॉल्स खुल गए हैं. सो दिस इज़ अ थिंग. अभी इनका देखेंगे एक और काम इनका, ये चाउमीन भी बनाते हैं. अभी देखिए नॉन वेज यहाँ बना रहे हैं, मैं तो प्योर वेज हूँ, बड़े नॉन वेज बना रहे हैं. मैं इनका भी स्टॉल लेकर व्यू शूट कर लिया. देखिए सफाई से बनाते हैं लोग, ये सबसे अच्छी बात है. और ये है कि ये देखिए कैसे इनका डिस्प्ले है. शाम तक इनका सब माल बिक जाता है, इतनी भीड़ आ रही है शाम को, लोग ऑफिस से थके हुए आते हैं, सब लोग टूट के पड़ते हैं इस खाने पे. घर का खाना किसी को अच्छा लगता नहीं है, बाहर फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, सब यहीं पे खड़े होते हैं आगे और सब खाते पीते हैं और घर जाते हैं. इनका भी घर चलता है अच्छा. अभी देखिए चाउमीन बनाए, इसकी खासियत ये है, ये चाउमीन बना रहे हैं, मैंने कभी इंटरेस्ट चाउमीन क्यों डाली है, तो अभी बताएंगे इन्होंने क्यों डाली है चाउमीन. इन्होंने हल्का सा तेल डाला और थोड़ा सा इन्होंने पत्ता गोभी डाली, और अब देखिए क्या करेंगे इसको. ये पत्ता गोभी लिए इन्होंने, इन्होंने मेरे को बताया था, मैंने ये कर क्या रहे हो भैया, मतलब ना ये चाउमीन बन गई हो क्या रहा है. अभी देखिए इसका रीज़न बताएंगे कि ये कर क्या रहे हैं. अब हमारा पिज़्ज़ा देखिए देख रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं, ये एक साइड से पक गया, एक साइड से नहीं पका. अब इसको ऊपर रख के अलग अलग साइड से पकाएंगे घुमा घुमा के. तो ये कर रहे हैं अब. हाँ अभी इसका देखिए चाउमीन का ये कर क्या रहे हैं, इतनी चाउमीन में ये इतना सा पत्ता गोभी इन्होंने क्यों डाली है. अभी दिखा रहे हैं कढ़ाई पर घुमा रहे हैं तेल डाल के. अब इससे पता क्या हुआ, ये इसको फेंक दिया. ये कढ़ाई साफ़ करने का तरीका है, धोया था इन्होंने पहले, लेकिन ये ये तरीका है हमारा साफ करने का. अच्छा अच्छा, अरे वाह, एक नई चीज़ सीखने को मिली, देखने को मिली. अब देखिए तेल तेल, और अब ये डालेंगे इसमें प्याज वगैरह डालेंगे शायद, अभी मेरे को पता नहीं क्या डालेंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि प्याज डालेंगे. तो अब ये डाल रहे हैं, पता नहीं. लेट्स सी, जहाँ तक जितनी मेरे को नॉलेज है मैंने वो बताया, अभी पता नहीं क्या करेंगे. यस, ये प्याज काट रहे हैं, यस देखा मैं जीत गया, थैंक यू. तो अब ये प्याज, ये देखिए प्याज जा रहा है, दिखा दिया आपकी दुकान, दिखा दी घंटा दिखा दिया, प्याज भाजी वगैरह पर क्या कर रहे हैं. वेस्ट नहीं करना चाहिए इंसानों को भी, किसी चीज़ को खाने खाने की बहुत वैल्यू होती है, गलती नहीं करनी चाहिए. जिस जो इंसान के पास पैसा नहीं होता उसको पता होता खाने की वैल्यू क्या है. और देखिए इसमें क्या हरी शिमला मिर्च डाली है, प्याज डाला है, तेल भी साफ लग रहा है, अच्छा तेल लग रहा है, बहुत लोग देखेंगे. प्याज हरी मिर्च ये सब डाले उन्होंने, और शिमला मिर्च अब ये पक रही है, और ऊपर के पास कच्चा रह गया. तो ये इनका बन रहा है अभी, और अब ये पक रहा है. अभी क्या डालेंगे इसमें, प्याज ही डाल रहे हैं अभी, ये शायद इनको ज़्यादा चावल बनाई हुई है, मसाला ज़्यादा डाल रहे हैं. तो प्याज डल रहे हैं, और इसके बाद इन्होंने पत्ता गोभी और गाजर डाल दिए मिक्स करके, जो कि पहले से काटी हुई उन्होंने. इसमें शायद और भी कुछ डाला है, शायद गार्लिक होगा, हो सकता है मे भी, हाँ लहसुन है, अदरक होगा शायद. तो ये सब इन्होंने डाला है, अभी ये डाल रहे हैं शिमला मिर्च. शिमला मिर्च का ये पता नहीं क्यों ये गिना, इनको अदरक और लहसुन और वो सब डालना चाहिए, लेकिन वो कम डालते हैं, सब डालते हैं, क्या करते हैं. मेरे को लगता है चाउमीन में टमाटर भी होना चाहिए, पता नहीं क्यों अच्छी लगती है, लोग डालते हैं चाउमीन में टमाटर, मेरे को अच्छा लगता है. मैगी बनाता हूँ चाउमीन में टमाटर, मैगी में टमाटर डालता हूँ, चाउमीन बनती है उसमें टमाटर भी लगवाता हूँ. मैं अपने लिए मैगी चाउमीन बनाता हूँ तो मैं उसमें टमाटर जरूर लगवाता हूँ.
अभी इन्होंने देखा और पिज्जे को टर्न कर दिया, जो उस साइड से वो पक गया था, तो अब इस साइड से टर्न करके वो वाली चीज़ वो वाले साइड आग की तरफ कर दिया ताकि वो पके, साइड टर्न चारों तरफ से पके। तो ये चाउमीन भी इनका मसाला पक रहा है अभी, इसमें इन्होंने पत्ता वगैरह डाला है अभी। आर्यन पिज्जा हाउस है ना, इसको पकड़ रहे हैं, देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो ये है अभी, इसको भूनेंगे थोड़ा सा, उसके बाद ये है आर्यन पिज़्ज़ा हाउस, यहाँ आप आएँगे मैं देखता हूँ अभी पिज़्ज़ा कैसा बना, तो आई विल टेल यू। बट ये है आर्यन पिज़्ज़ा हाउस है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, इनका मोबाइल नंबर है। और ये बना रहे हैं, अब ये इसमें डालेंगे, मेरे को लगता है चाउमीन डालेंगे, पक जाएगा ये तो। चाउमीन बॉयल करते हैं शायद, हाँ देखो चाउमीन डाल, देखो मैं कितना परफेक्ट हूँ हर चीज़ में, आई एम परफेक्ट ना, आई नो एवरीथिंग। मैंने चाउमीन डाली है इसमें, और फिर इसके बाद ये डालेंगे, अब ये डालेंगे, अब ये डालेंगे, देखो वो सॉसेस डालेंगे, वो काली वाली चाउमीन डालेंगे, चाउमीन का सॉस, ये मसाला डाला, अजीनोमोटो कम डालना है, मसाला डाल रहा है वो खतरनाक होता है, मसाला डाला है। और इसके बाद कितना अजीनोमोटो भैया कम डालो, अभी ये डाल रहे हैं नमक, बहुत खतरनाक होता है, बिल्कुल अजीनोमोटो कम डालना, लेकिन अजीनोमोटो भी ये भर के डाल रहे हैं। तो देखो मेरे पास फेस फेस से पलटा है इनमें पिज्जा, खाना है अभी, लेट्स सी क्या करेंगे। अब इन्होंने काला सॉस डाला है, ये सब डाल रहे हैं, अभी लाल मिर्च डाली थोड़ा टेस्ट के लिए, मैंने इनको बोला अजीनोमोटो कम डाला, तभी इन्होंने ज़्यादा डाला, पता नहीं अजीनोमोटो ज़्यादा क्यों डालते हैं सब लोग। तो ये है अब 25-50 रुपये, और बस और पनीर वाला 35 रुपये का हाफ प्लेट, 70 का। अभी अजीनोमोटो डाला, अभी इसको पका रहे हैं अच्छे से, अभी ये जब पका रहे हैं इतने ही लोग भी लग जाएगी इसको देख के कि हम यहाँ चाउमीन बन चुके हैं, तो इसी को ऑर्डर कर दो, ये चीज़ रेडी होती है, गर्म गर्म खाना लोग पसंद करते हैं, इसी को ऑर्डर कर देते हैं लोग। तो अब ये चाउमीन देखने में अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं है। अब इन्होंने पिज़्ज़ा को फिर से शायद टर्न करेंगे, नहीं बन गया शायद, बन गया, आँच कम कर दिया इन्होंने, नीचे डाल दिया, आँच कम हो गई, पक चुका होगा बस, और ओवरऑल पका रहे होंगे। अभी ये चाउमीन है हमारी रेडी, अभी इसको लोग देख के आ जाएंगे और इसको फिर ऑर्डर करके, बाकी चाउमीन बच जाती है उसको ढक के रख देते हैं शायद। तो ये वो है जो मैंने देखा था, वो आपको बता रहा हूँ, तो ये सोचे कि मुझे आपको पता है मैं देख देख के बोल रहा हूँ। तो मेरा पिज़्ज़ा रेडी है, यस, अब इसको कट करेंगे, और देखिए पक चुका है पूरा ऊपर से, ये जो मेयोनीज है वो जले रहेगा थोड़ा सा, लुका है। अब मसाला डाला ऊपर से, ब्लैक पेपर ये को, और इसको कट कर दिया है, देखिए चीज़ पूरा भर के डाला है, इतना चीज़ तो मेरे ख्याल से गाँव में नहीं मिलता। अभी मेरे को दे रहे हैं और हम खाएँगे, लेट्स सी कैसा बना है, यस। तो मैंने खास से कैमरा पकड़ा हुआ, मेरे को थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट कोई बात नहीं, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे जो भी इंसान के लिए कुछ भी जान है। तो अभी मैंने पिज़्ज़ा देख रहा हूँ, कॉर्न वगैरह सब कुछ अच्छा लग रहा है देखने को, इन भी चाउमीन बनने सब कुछ हो रहा है, एक साथ सब कुछ होता है यहाँ पे, एक ही आदमी सब कुछ करता है। लेकिन मैंने गर्म कढ़ाई हाथ से पकड़ी है, ये पक रहा है तो गर्म कढ़ाई कैसे लग रही है हाथ से, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं कैसे क्या किया है, ये कढ़ाई तो गर्म होगी तो पकड़ी जाऊँ, ये हाथ से पकड़ी है समझ नहीं आ रहा। तो अब मैं अपना पिज़्ज़ा देखिए मैंने खाया है, और टेस्ट जो था मेरे को बहुत अच्छा लगा था, बस मेरा एक थोड़ी सी कमी थी कि नीचे से जो बेस था वो हार्ड हो गया था, तो ये पिज़्ज़ा मैं खा रहा हूँ, और अच्छी अभी लेकिन क्या गोई लग जाएगी चाउमीन के काउंटर पर, और अभी इनकी चाउमीन बन गई है, उसी में इनकी गोई लग जाएगी, और अब अच्छी पिज़्ज़ा मेरा बहुत टेस्टी था, आप खा सकते हैं, और आज ही पिज़्ज़ा काउंटर पर पिज़्ज़ा खा सकते हैं। तो ये घंटा घर पर आपको मिलेगा, कोई भी आप आएँ तो यू कैन हैव पिज़्ज़ा एट वेरी नॉमिनल प्राइस, 100 रुपीज़ स्मॉल, सो दिस इज़ द प्राइस। और ये चाउमीन बन के तैयार हो गया, मेरा पिज़्ज़ा भी मैं खा रहा हूँ, मैं इन्जॉय कर रहा हूँ, एंड बट मैं सबके और नहीं है सैड थिंग। अब ये है कि घंटा अगर आप कभी आए तो आप खा सकते हैं, उनका टेस्ट ही है पिज़्ज़ा, ऐसा नहीं है, बट पिज़्ज़ा थोड़ा सा हार्ड था,
मैंने वैसे सॉस नहीं डाल, क्योंकि मैं एक साइड डाल के चेक कराऊँगी कैसी बनी होगी। मैं एक साइड सॉस डाल के मैं खाऊँगा, बाकी वाले बाकी पर नहीं डालूँगा। एक साइड मैंने डाल के देखा है कि सॉस कैसा है, तो ये मैं कर रहा हूँ। अभी मैं ट्राई करूँगा कि सॉस वाला कैसे बना है। ये सब शाम का टाइम है, यहाँ पे लोग आने शुरू हो गए, बहुत भीड़ हो जाती है, इसलिए इतने सारे काउंटर यहाँ पे खुले हुए हैं। सो दैट इज़ द थिंग, अब इतनी भीड़ है तो इसलिए काउंटर्स ही काउंटर्स हैं। पहले सिर्फ एक बर्गर का इनका शॉप होता था, उसी वो था 7-8 रुपये का बर्गर मिलता था पहले, अब इनका उसने बर्गर 30 रुपये कर।